सो आई गेस तन्मय दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह मुंबई में जिसको आप देखोगे और सोचोगे कि ये मुंबई कैसे है। लोग तो सोचते हैं कि मुंबई इतनी बिजी है और मुंबई मतलब कभी सोता नहीं है, बट ये ऐसी शांत सी जगह है ना जिसमें मतलब आप जाओगे आपको एकदम सुकून सा मिलेगा। आज हम लोग जाने वाले हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में जो है बोरीवली में, और वहाँ पे बेसिकली जो प्राइम अट्रैक्शन है वो है कन्हेरी केव्स, जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और अमेजिंग होने वाला है वो। वहाँ पे लोग सुबह सुबह मेरे को बताया गया है कि वहाँ पे लोग जाके वॉक करते हैं, बहुत पीसफुल है। 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है आने का और 7 किलोमीटर जाने का, तो मतलब कमाल का है। लोग वहाँ पे वॉकिंग करते हैं, लोग वहाँ पे बाइसाइकिलिंग करते हैं, मतलब पीसफुल है, मज़ेदार है। तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो फटाफट जाके, और कुछ बढ़िया सा कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या पीसफुल जगह पसंद है, क्या आपको एकदम शांत सी जगह पसंद है जहाँ पे मतलब बस शांति मिले, या आपको मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे चैनल पे बहुत अभी अभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। जैसे जागृति यात्रा सीरीज चल रही है जो 15 दिन की ट्रेन जर्नी है जिसपे मैं 8000 किलोमीटर अक्रॉस 12 सिटीज इंडिया में घूमा, तो उसका 4th एपिसोड आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। मुंबई की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखा रहा हूँ मुंबई में घूमने के लिए, कैसे मुंबई में ट्रैवल करें, क्या क्या चीज़ें करें, कैसे अपनी आइटिनरी बनाएं, और कोलकाता की भी सेम सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्द। तो चैनल पे अभी बहुत सारी चीज़ें डली है, परफेक्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दो जिससे आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाओ। अभी बिना किसी देर के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 फिंग। इसमें आपको लॉक भी मिलेगा, लॉक का तो कोई, ये आगे वाला ले लूँ ना, जो पसंद है वो ले सकते हो। और ये कन्हेरी का बिल्कुल सीधा रास्ता ना? हाँ सीधा रास्ता। कितना 80 रुपीज़ टूअर्स ना आपने बोला? हाँ कटम हो रहा है, समझ गया। ये लो बाबा, यार अब ओरिजिनल मैं ऐसे देता नहीं, अब रिसिप्ट वगैरह देते तो मैं आपको दे देता। नहीं तो 100 रुपये डिपॉजिट रख लो ना आपका, 200 रुपीज़। 8 3 5 6 5 6 8 6 8 6 9 1 5 9 1 5। हर मंडे रहते हो क्या आप? हाँ। सो अभी मैं आया हुआ हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क में जो है बोरीवली में, और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ एक मंडे को, तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अराउंड 10 बजे हैं, तो मैं आया हुआ हूँ। मैंने देखा कि चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैसा है एटमॉस्फेयर, काफ़ी ग्रीन ग्रीन और अच्छा एरिया है, लाइकिंग इट सो फार। अभी मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ क्योंकि आई हैव गॉट दिस बाइक। अच्छा एक और चीज़ संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में कि आपको यहाँ पे कभी भी आना है कोई भी दिन पकड़ लो एक्सेप्ट मंडे, बिकॉज मंडे मेंटेनेंस रहती है, मुझे यहाँ पे आके पता चला। बट लकीली आई गॉट दिस बाइक फॉर 80 रुपीज़। बस अभी मुझे ये लग रहा है कि ये बाइक में ना अभी हवा चलाते हुए बाइक में हवा कम लग रही थी, बाकी तो आई डोंट थिंक ठीक ही लग रही है हवा। बट एक और चीज़ मेरे बारे में कि मैं बाइकिंग करता नहीं, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, और यहाँ से कन्हेरी हिल 7 किलोमीटर्स है, 7 किलोमीटर्स बैक 14 किलोमीटर्स, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं करा, तो आई थिंक अभी 1 किलोमीटर भी, अभी आई थिंक 500 मीटर होगा और मेरा धोए छूट गए। करेंगे यहाँ से सम देवर सम गांधी म्यूजियम और समथिंग, आई फिगर इट आउट। व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से, अब ये देख सकते हैं, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। बट दो चीज़ें हैं, एक मुझे बाइकिंग करे हुए बहुत टाइम हो गया, और दूसरा बस यही है। चलो चलता हूँ आपको थोड़ा रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जैसे तैसे, 5-6 स्टॉप्स लगाए, 2-3 जगह से पानी पिया, और अब बस इतनी ही चढ़ाई बाकी है। ये बस जहाँ से आ रही है आई थिंक ये बस कन्हेरी केव से ही आ रही है, वो जो पॉइंट आप उधर देख रहे हैं वो है कन्हेरी केव्स, और ये सारे पहाड़ है, ये सारा पहाड़ एरिया है। इतनी चढ़ाई करनी है मुझे, और इतनी दूर से मैं अभी आ रहा हूँ, अबाउट 6 किलोमीटर इस बाइक के सहारे मैं आ चुका हूँ, 8 किलोमीटर और इसका साथ चाहिए मुझे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो अभी धुएँ छूट चुके हैं, पर चलते हैं आगे देखते हैं, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो और थोड़ी और वो करते हैं। अभी मेरे पास हैं आई थिंक
45 मिनट ऊपर जाके नीचे आने में, तो देखते हैं कैसा रहेगा। आई थिंक मैं लेट ही हो जाऊँगा थोड़ा, पर देखते हैं कैसा रहता है। जैसा भी रहता है ऊपर जाके आपको अपडेट करता हूँ। तो बीच बीच में पैचेस हैं अच्छे अच्छे स्पॉट्स के, पर जो मेन है वो कन्हेरी केव्स ही है। अगर आप यहाँ पे संजय गांधी पार्क में आ रहे हो तो कन्हेरी केव्स इज़ द मेन थिंग जो आपको आना चाहिए। आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड, मेरी सारी जान निकल चुकी है और अब फाइनली एट कन्हेरी केव्स। ये कैसे है? 20 रुपये। 20 रुपये एक प्लेट। और ये खीरा? खीरा भी 20 का। खीरा देने एक। ये क्या है? वो चना मसाला। चना मसाला वो। और अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं केव में, और मेरे पीछे केव है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो आपको शायद ना दिख, ओ दिख रहा है, ओ अमेजिंग। इस जगह पे 7 किलोमीटर के लिए आना वर्थ इट था। अभी 7 किलोमीटर और जाना है। मैंने एक मिसल पाव खा लिया, जो पाव बम्बैया पाव नहीं था, बहुत एवरेज सा था, पर मिसल बड़ा कमाल का था, मज़ा आ गया। अभी एनर्जाइज्ड हो गया, ऊपर व्यू देख के भी एनर्जाइज्ड हो गया। ये व्यू देखो आप। और मैं कहीं समवेयर वहाँ से आ रहा था, चलते 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 यहाँ पे आया हूँ। दो और चीज़ें देखते हैं और फिर लेट्स गो बैक। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, अति सुंदर। तो एक चीज़ मेरे को आपको क्लियर करनी थी कि यहाँ पे एंट्री टिकट है 58 रुपीज़ की, और बेसिकली संजय गांधी नेशनल पार्क की एंट्री टिकट है। तो आपकी जो कन्हेरी केव्स की एंट्री टिकट होती है वो अलग होती है, उसके आपको और 40-50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और जो संजय गांधी नेशनल पार्क का गेट है वो सिर्फ बोरीवली वाला गेट ओपन होता है, और कोई गेट ओपन नहीं होता। तो वहाँ से लेकर कन्हेरी केव्स अगर आपको जाना है तो वो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब आपके ऊपर है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास, या तो आप बस लेके जाइए, बस में आपके साथ 8 और लोग बैठेंगे। अगर आप मंडे को जाते हैं तो मंडे को फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं होती है, तो 2-3 घंटे लग सकते हैं वो 8 लोग और आने में, शायद आए ना तो पता नहीं। अगर आप रेगुलर डेज पे बैठते हो तो मेरे को बताया गया 1/2 घंटा लगता है, लोग आ जाते हैं। उसके 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। देन आप अपनी गाड़ी या बाइक भी लेके आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। देन आप साइकिलिंग करनी है तो आप गवर्नमेंट बाइक्स मिलती है आपको, रेगुलर डेज पे आपको 40 रुपीज़ पड़ता है। और मंडे को क्योंकि मेंटेनेंस रहती है तो वो बंद रहता है, तो ये प्राइवेट वाले लोग आते हैं जो 80 रुपीज़ लेते हैं। ये मांगते हैं आपसे बेसिकली आपका ID कार्ड। तो ID कार्ड मैंने तो नहीं दिया था क्योंकि कोई रिसिप्ट नहीं दे रहे थे, तो ID कार्ड के बजाय ये लोग थोड़ा 100-150 रुपये डिपॉजिट रख लेते हैं। और जब आते हो तो फेयर काम लगा था मेरे को, तो मेरे साथ तो डीलिंग इनकी फेयर ही थी, तो आपको डिपॉजिट वापस कर देंगे। 2 घंटे का इनका चार्ज रहता है 80 रुपीज़, और वैसे भी 40 रुपीज़ पर आवर चार्जेस रहते हैं, वैसे ही चार्ज रहते हैं। और आप यहाँ से स्कूटी भी ले सकते हैं जिसके 300 रुपीज़ पर आवर चार्ज है। 2 आवर्स का आप लेंगे तो आपको 500 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप मेरी माने तो आप क्या लेना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को तब पता नहीं था तो मैं भी स्कूटी लेता, वरना स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 1 घंटे का 300 आवर्स लगेंगे, टाइम बचेगा, 15 मिनट में आना, 15 मिनट में जाना, 7 किलोमीटर बिल्कुल खाली खाली रोड है, व्यू भी बहुत कमाल का है, और आप टॉप पे पहुंच जाएंगे 15 मिनट में। वहाँ पे आराम से आप 1/2 घंटा देखिए और रिलैक्स करिए, और फिर आप वापस आ जाइए। 1 घंटे के अंदर आपका सारा का सारा कार्यक्रम हो जाएगा और 300 रुपये लगेंगे बस। अच्छा ऑप्शन है अगर आपको और एडवेंचरस करना है। और साइकिलिंग आप तभी करिए जब आपको साइकिलिंग का आइडिया हो या आप साइकिलिंग करते आ रहे, क्योंकि अपहिल बहुत है और डाउनहिल बहुत है। तो अपहिल डाउनहिल में ना स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है, और उससे ना फिर और ज़्यादा स्टेमिना की गड़बड़ होती है। तो अगर आपको साइकिलिंग आपने बहुत टाइम से नहीं करी है, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो साइकिलिंग मत करिए, गड़बड़ हो सकती है। और साइकिलिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 लीटर पानी की बॉटल लीजिए, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही जगह ड्रिंकिंग वाटर भरने की, और कोई वाटर ड्रिंकिंग वाटर भरने की कोई जगह नहीं है। तो ये था बेसिकली कैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे। एक बार आप वहाँ पे पहुँच गए, टिकट कटवाइए, अंदर 40-50 रुपये की टिकट है, और अंदर आराम से बैठ के व्यू एंजॉय करिए। वैसे अंदर करने की चीज़ें ज़्यादा है नहीं, बेसिकली कन्हेरी केव्स जो है ना, मैं आपको बताऊँ, रॉक के अंदर ना केव्स बना रखे हैं, और बेसिकली ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन लोग मेडिटेशन करते हुए देखेंगे या प्रेयर्स करते हुए लोग देखेंगे, तो वो सब भी है वहाँ पे। तो इस पूरा एनवायरनमेंट जो है ना, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। तो जस्ट आप वहाँ पे जाइए, आई थिंक 1.5-2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो अगर आप अपनी विजिट प्लान कर रहे हैं कन्हेरी केव्स में या संजय गांधी नेशनल पार्क में, और बेसिकली चीज़ें भी हैं, टाइगर सफारी वगैरह, बट ग्रे एरिया ही रहता है वो, कितने टाइगर्स वगैरह देखने को मिले। तो अगर आप कन्हेरी केव्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो 2 घंटे निकाल के आइए, या मैक्सिमम 3 घंटे। और अगर आप बाकी पूरा पार्क घूमना चाहते हैं
नेशनल पार्क तो 4 घंटे, क्योंकि पार्क में कन्हेरी केव्स के अलावा और कुछ नहीं है। बेसिकली आप कन्हेरी केव्स तक पहुंच जाएंगे तो वो पूरा रास्ते में ना 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नेशनल पार्क दिख भी जाएगा। साथ में मेट्रो के साथ में एक रेल लाइन भी है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, व्यू काफ़ी अच्छा है। मतलब इस वन ऑफ दोज प्लेसेस पीसफुल आपको लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन वगैरह पहुँच गए हो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में। मतलब मैं वहाँ से बाहर निकला था ना, और मतलब मैं मुंबई से बाहर निकल के ऑटो में बैठा, मेरे को लगा कि मतलब मैं कौन सी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कन्हेरी केव्स कैसे लगे, बिकॉज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगे और इतने सुंदर से है ना। और वहाँ से जो नीचे का व्यू आता है ना, आप सोचते हो कि भाई मैं इस एरिया से साइकिलिंग करते हुए आया हूँ, और इतना मतलब मैंने कैसे कर लिया। मतलब एकदम प्राउड सी और कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है, मतलब मज़ेदार है। वहाँ पर जस्ट खड़े हो जाओ ना, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं कर सकता, इतना कमाल का एक्सपीरियंस है वो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रैवल वीडियोज आ रही है। जागृति यात्रा सीरीज चल रही है चैनल पे, अगर आपको वो नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन में लिंक होगी, जाके चेकआउट करो उसको। कोलकाता की सीरीज आने वाली है, कोलकाता की सीरीज नेक्स्ट वीक आने वाली है, बहुत अमेजिंग। और मुंबई की सीरीज तो चल ही रही है। तो मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग पाची अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह में आप लोगों के लिए, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय नाउ।